ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, उससे पहले हम लोगों ने कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखे थे। इसमें हम लोग चार्ट पैटर्न्स देखेंगे। याद रखना, कैंडल स्टिक पैटर्न्स अलग होते हैं और चार्ट पैटर्न्स अलग होते हैं। कैंडल स्टिक्स में क्या होता था, आपका कैंडल से मिलकर वन कैंडल, टू कैंडल, थ्री कैंडल से मिलकर बने थे। ये चार्ट के पैटर्न्स होते हैं, तीन तरीके के पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न, एक होता है आपका रिवर्सल पैटर्न, और एक होता है आपका बायलेटरल पैटर्न। कंटिन्यूएशन, जैसे कि नाम से लग रहा है, कंटिन्यू, कोई एक ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड, ठीक है। ये अप ट्रेंड में कहां पे बाय करें, वही कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बनाते हैं। रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, नाम से क्या है, रिवर्सल, मतलब एक कोई ट्रेंड चल रहा होगा उसको रिवर्स करता है, वो आपके रिवर्सल पैटर्न कहलाते हैं। देन आपका आता है बायलेटरल पैटर्न, जो कि अभी कोई पता नहीं है किधर भी किधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकते हैं। ये बेसिकली होते क्यों हैं, आपका ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज है कि कहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो किधर की तरफ अपने को ट्रेड लेना चाहिए। और अगेन हम लोग क्या देखेंगे, पहले पैटर्न क्या होता है, क्यों बनता है, क्या एंट्री एग्जिट है और साइकोलॉजी क्या है, वही अपना पैटर्न पे उसी तरीके से चलेंगे। कंटिन्यूशन पैटर्न के अगर मैं नाम बताऊं तो पोलैंड फ्लैग पैटर्न होता है, ठीक है। मतलब कोई अप ट्रेंड चल रहा होगा तो बुलिश फ्लैग बनेगा, और डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो बेरिश फ्लैग बनेगा, हमें उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेना होता है। नंबर सेकंड होते हैं आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल के जो पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। देन हमने जो क्या देखा था, हमने देखा था रिवर्सल पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न्स के अलग अलग होते हैं। इसका कौन सा होता है, सबसे पहले हम लोगों ने डबल टॉप। अच्छा, मैं ना प्राइस एक्शन ज़्यादा करता हूँ, मतलब प्राइस एक्शन ही करता हूँ बेसिकली, तो बीच बीच में प्राइस एक्शन का टच आता रहेगा, ठीक है। डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप, डबल बॉटम कर सकते हो, ठीक है। देन आता है आपका वेज पैटर्न्स, राइजिंग वेज या फिर फॉलिंग वेज, ठीक। देन ट्रिपल टॉप, डबल की जगह पर ट्रिपल टॉप हो जाता है, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, बॉटम टॉप, ठीक। देन आता है आपका हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर दो तरीके के होते हैं, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बुलिश में होता है और बेरिश में आपका हेड एंड शोल्डर होता है। लेकिन हेड एंड शोल्डर पर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज पैटर्न बनता बहुत ही रेयर केसेस में हेड एंड शोल्डर, ठीक है ना। और बनेगा, आप इंतजार करते रह जाओगे, वो सब चीज़ है। तो हेड एंड शोल्डर को हम लोग उतना, जो मार्केट में काम करता है ना, हम लोग वो पैटर्न देखेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है डबल बॉटम या डबल टॉप, ठीक है। रिवर्सल है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, आपका दो तरीके के रिवर्सल होंगे, या तो अप ट्रेंड का रिवर्सल आएगा, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड का रिवर्सल आएगा। डाउन ट्रेंड का रिवर्सल आएगा इसका मतलब क्या, हमें बाइंग की तरफ जाना है। अप ट्रेंड का रिवर्सल आएगा तो मतलब हमें सेल की तरफ जाना है। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, डबल बॉटम। डबल बॉटम का मतलब क्या होता है, बॉटम पे दो बार प्राइस आगे करें, ठीक है। डबल बॉटम पे आपको बाइंग की साइड जाना है, लेकिन बाइंग कब करना है वो देखना है, ठीक है। व्हाट इज डबल बॉटम, ठीक है, साइकोलॉजी क्या है। डबल बॉटम लुक्स लाइक द लेटर डब्ल्यू, ठीक है। हम लोग, आप लोग अगर इंट्राडे क्या मेरा देखते होगे तो आपको पता होगा कि मैं डब्ल्यू बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, डब्ल्यू का, ठीक है। द ट्वाइस टच लो इज कंसीडर्ड एज अ सपोर्ट लेवल, मतलब मार्केट नीचे आया, देन मार्केट ऊपर गया, देन नीचे आया एंड देन ऊपर जा रहा है, तो ये आपका सपोर्ट लेवल की तरह कंसीडर करेगा। हमने लास्ट में देखा था लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक। बेस्ट सूटेड टू एनालाइज मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू, मतलब आपका स्विंग में भी जा सकते हो आप और थोड़ा सा लंबा पोजीशन में भी जा सकते हो, ठीक। कैन बी यूज एन मल्टीपल टाइम फ्रेम, मतलब इंट्राडे में अगर आप कर रहे हो तो 15 मिनट्स का यूज कर लो, आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 आवर का यूज कर सकते हो, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स अ चेंज इन ट्रेंड एंड अ मोमेंटम रिवर्सल फ्रॉम प्रायर लीडिंग प्राइस एक्शन, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को मिक्स करेंगे। बेसिकली क्या है कि मोमेंटम को, मतलब आपका जो है ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है, ठीक। ये आपका इस तरीके से दिख रहा होगा, अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अभी पैटर्न और कोई भी होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ डबल बॉटम की बात कर रहा हूँ। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया एंड देन इसका मैं ब्रेकआउट दे दिया, ठीक। अब ये क्या दिख रहा है आपको, ये कुछ डब्लू जैसा भी दिख रहा है, ठीक है। डब्लू मतलब इस तरीके से डब्लू बनता है, इस तरीके से ये इसकी नेकलाइन कहलाती है, जो डब्लू का ये बनता है, तो ये आपकी ये नेकलाइन होती है इसकी, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें इस नेकलाइन के टूटने पर बाय करना होता है, यानी ये नेकलाइन जब टूटेगी तब हमें यहाँ पे बाइंग ऑर्डर डालना पड़ेगा। और अपना जो SL होता है वो इसका डबल बॉटम का होता है, और टारगेट जो होता है वो ये पूरा जो आपका बन रहा है, जितना बन रहा है इस सब का आपका पूरा टारगेट होगा, उसमें इतने पॉइंट्स। एग्जांपल के साथ समझते हैं, लेट से ये पॉइंट है आपका 100 रुपीज़ का, ठीक है। यहाँ पे आपका प्राइस आ रहा है 94 रुपीज़ का, एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। तो टारगेट कितना होगा इसका पूरा साइज, यानी 106 रुपये का टारगेट होगा आपका, एटलीस्ट 1:1 जो बोलते हैं। उसके बाद हम लोग फर्दर देखेंगे और उसमें किस तरीके से प्राइस एक्शन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ठीक। कुछ इसके ना चार्ट्स पे एग्जांपल देखें तो और क्लियर हो जाएगा। लास्ट हम लोगों ने लेवल्स वाली वीडियो में क्या देखा था कि आपका एक बाइंग जोन होता है, ठीक है ना, ये जोन बन रहा है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया एंड देन आप इसने
ब्रेकआउट दे दिया, अब ये डबल बॉटम बन रहा है। देखो हमेशा याद रखना, डबल बॉटम के साथ ट्रेंड लाइन वाली वीडियो आपको इधर की तरफ दिख रही होगी इस तरीके से है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आई बटन भी मिल जाएगा। याद रखना मैंने आपको ये चीज उसमें प्राइस एक्शन के साथ बताई थी, ट्रेंड लाइन में क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड लाइन बनती है, अगर ये ब्रेकआउट आता है और यहाँ पे आपका डबल बॉटम बन जाए, याद आया, अगर याद आया तो बताना, यहाँ पे आपका डबल बॉटम बन जाए देन यहाँ पे आपका ब्रेकआउट दे तो प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, डाउन ट्रेंड की बन रही है, और यहाँ पे आपका डबल बॉटम का, ट्रिपल बॉटम भी कह सकते हो, डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ एंड इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना फेवरेबल मिलता है, ठीक है, समवेयर अराउंड आपने बाय करा इस कैंडल के यहाँ पे, SL आपका ये पॉइंट हो गया, और इसके बीच में कितना हारा है आपका 15,300 के आसपास आपने बाइंग दिख रही है, ठीक है, 15,240 से आपका SL दिख रहा है, और आपका ये टारगेट इसका 60 तक का आपका टारगेट होना चाहिए, उसके बाद आप अपना ट्रेल कर सकते हो। अब देखो डबल टॉप भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई है लेकिन डबल टॉप बन रहा है, तो डबल टॉप पे आप देखो प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। बेसिकली ये आपका साइकोलॉजी होता है कि अगर एक प्राइस के दोबारा आकर जल्दी रिट्रेस करता है। अब इसमें क्या होता है, अगले दिन मार्केट कहाँ खुलती, लेट से ऊपर खुलती तो क्या होता है, कंटिन्यूशन में आ जाता, फिर हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूशन वाले पैटर्न लगाते हैं इस पे। okay, बहरहाल उसकी बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम लोग रिवर्सल की बात कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये आपका बिटकॉइन का है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक बॉटम बना, यहाँ आपका बॉटम बना, आपने करना क्या है, स्टेप नंबर वन डबल बॉटम को फाइंड आउट करना है। वो कैसे करना है, प्राइस पॉइंट जो होता है वो दोबारा आपका टच करता है, ये आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया डबल बॉटम का। अब आपको बाय कहाँ करना है, बाय करना है उसको, उसके साथ अगर कोई प्राइस एक्शन मिल जाए या फिर ये नेक लाइन आपकी टूट जाए। अब इसमें क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर जा रहा है, ये नेक लाइन टूटने पे आप इसको बाय कर सकते हो, ये तरीका है, ठीक है। या फिर अगर समवेयर, अगर यहाँ पे अभी बन नहीं रही कोई ट्रेंड लाइन, अगर कोई ट्रेंड लाइन बन रही होती तो और डबल बॉटम बना होता तो आप इसको बाइंग की साइड जा सकते थे, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के साथ हमने देखते हैं और प्लस इसको आपका नेक लाइन टूटने पे, ठीक है, नेक लाइन जब टूटती तो डब्लू बन जाता है इस तरीके से। जो पैटर्न आता है वो आता है आपका डबल टॉप। डबल बॉटम में क्या होता है, डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है, समवेयर अराउंड डाउन ट्रेंड इस तरीके से चल रहा होगा और डबल टॉपल डबल बॉटम बन जाएगा एंड देन ब्रेकआउट आएगा। डब्ल्यू से देखते हैं, एक तो डब्ल्यू फॉर्मेशन होता है नेकलाइन का, नंबर वन। नंबर सेकंड क्या होता है, आपका ट्रेंड लाइन को चलती हुई आ रही है उसका ब्रेकआउट हो जाए या फिर, ठीक है, और दिस, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अगर आपको, आप ऑलरेडी जुड़े हुए तो पता ही होगा आपको, है ना। अब इसमें क्या होता है, डबल टॉप में ऊपर बनता है डबल, दो प्राइसेस पे टच करता है, अगर कोई अप ट्रेंड लाइन टूट चलती है और ये ब्रेकडाउन देती है, देखो ये प्राइस एक्शन को टच कर दिया साथ में। बुक्स में आपको प्राइस एक्शन ये तरीके से नहीं मिलेगा लेकिन मैंने आपको प्राइस एक्शन के साथ टच किया है। डबल टॉप बना एंड देन ब्रेकडाउन दिया नंबर वन, और डबल टॉप बन रहा है प्राइस का और आपने क्या किया, एम पैटर्न बन जाता है, जैसे डब्ल्यू बनता है ना नीचे भी, ये डब्ल्यू लिख रहा है, इसमें क्या होता है, एम पैटर्न बनता है। तो यहां पे जैसे ब्रेकडाउन आता है आपने सेल कर देना होता है। क्या दो तरीके बताइए हम लोगों ने, डबल टॉप की बात कर रहे हैं अभी हम, दो टॉप बनते हैं और कंफर्मेशन कहाँ मिलता है, ऊपर के लेवल पर कुछ इस तरीके से मार्केट में ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है, ये आपका अप ट्रेंड चल रहा होगा, ट्रेंड रिवर्सल पड़ रहा है ना हम लोग, तो डबल टॉप क्या बनेगा, नीचे आया एंड देन ऊपर आके अब ये आपका डबल टॉप बन गया। अब यहाँ से जैसे प्राइस लौटेगा तो आपने कहाँ पे शॉर्ट की तरफ जाना है, जैसे ये नेकलाइन आपकी टूटती है, यानी कि इस जगह पे आपको शॉर्ट पे जाना है, ठीक। आपका एसएल क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपका एसएल होगा। ट्रेंड लाइन वाली वीडियो देखोगे उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा जब उसके साथ आप मिलाओगे। सेकंडली एम बन जाए, ठीक है, एक चीज, या फिर आपका कोई ट्रेंड लाइन अप चल रही हो एंड देन ब्रेकडाउन दे दे, तो इसके वजह से ये ट्रेंड लाइन चल रही है और उसके बाद ये आपका ब्रेकडाउन दे दे, तो आपने जैसे ही टूटेगी ट्रेंड लाइन तभी हम लोग उसकी शॉर्ट की तरफ जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल इसके भी देख लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, इसमें आप अगर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन भी जा रही है। अगर ट्रेंड लाइन जा रही है तो आपको पहले से शॉर्ट का सिग्नल मिल जाता है, आप इस जगह पे शॉर्ट कर सकते हो ट्रेंड लाइन टूटने पे, ये आपके टॉप बन रहा है, ठीक है। ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ये आपका एम दिख रहा है, एम पैटर्न, आइदर एम बन जाए, इंट्राडे में बहुत यूज होता है, इसलिए मैं आपको ज्यादा डबल टॉप डबल बॉटम विद ट्रेंड लाइन सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने क्या करा, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, कंफर्मेशन यहाँ से और आ गया कि आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डबल टॉप क्या होता है, रिवर्सल होता है, सेल साइड की तरफ जाना होता है इसमें हमें, ठीक है। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कहती है थ्योरी, अ डबल टॉप इज एन एक्सट्रीमली बेयरिश टेक्निकल रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, बेयरिश होता है क्योंकि डबल टॉप है तो सेल की तरफ होगा, फॉर्म्स आफ्टर एन एसेट रीचेज, यानी एसेट का मतलब ये, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज लेके हम लोगों ने तो सीखा उसको ठीक से, एसेट मतलब कोई भी आपका रिलायंस हो, निफ्टी बैंक निफ्टी क्रिप्टो करेंसी जो भी चीज़ है, हाई प्राइस टू कंसेक्यूटिव टाइम्स, है ना, टू कंसेक्यूटिव टाइम्स, दो बार लगातार विद द मॉडरेट डिक्लाइन बिटवीन द टू हाईस। अब देखो कुछ चीजें होती हैं, थोड़ा सा पैटर्न आप जब मार्केट में जाओगे तो ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्टली ये बिल्कुल जगह पे ही मिले, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर मिल जाए, ठीक है, या हो सकता है थोड़ा सा नीचे मिल जाए, वो डिपेंड करता है मार्केट ऐसे प्राइस आ रहा हो इस तरीके से, तो ये भी आपका डबल बॉटम ही कंसिडर कराया जाएगा, सॉरी डबल टॉप ही कंसिडर किया जाएगा।
इट इज कंफर्म वंस द एसेट प्राइस यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस फॉल्स बिलो अ सपोर्ट लेवल इक्वल टू द लो बिटवीन द टू प्रायर्स हाई। ठीक है, कि कह रहा है ये कि आपका ये कोई सपोर्ट होगा, ठीक है, एम पैटर्न जैसे आपका टूटेगा ये स्विंग बनना, बेसिकली नेक लाइन टूटने पे तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ट्रेंड लाइन वाली जो चीज है मैंने अपने पास सेट करी प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स अ चेंज इन ट्रेंड रिवर्स ट्रेंड एंड द मोमेंटम रिवर्सल फ्रॉम द प्रायर लीडिंग प्राइस एक्शन, ठीक है, यानी प्रीवियस जो अप ट्रेंड चल रहा था इस तरीके से वो आपका टूटता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ये निफ्टी का है, निफ्टी 50, ठीक है, यहाँ पे आपका डबल टॉप बन गया, बराबर। अब आपको कहाँ पे सेल करना है, एम पैटर्न पे, ठीक है। एम पैटर्न जैसे देखिए मार्केट नीचे आया, एम पैटर्न दिख रहा, एक चीज या तो ऐसे कर सकते हो या फिर ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ट्रेंड लाइन पे अपन लोग यहाँ पे शॉर्ट कर दें। कब का चार्ट है, जब का भी होगा हमने पक्का शॉर्ट किया भी होगा 100%। चार्ट थोड़ा सा पुराना आई थिंक। देन इसी का डबल टॉप और डबल बॉटम का ही एक्सटेंशन आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉटम या ट्रिपल टॉप। सिंपल सी चीज है, दो बॉटम थे, इसमें क्या होगा, एक बॉटम ऐड हो जाएगा, ठीक है। डबल टॉप में दो टॉप थे, इसमें क्या होगा, एक टॉप ऐड हो जाएगा, बस सिंपल। इस तरीके से आप ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है उसको देखना है कि किस तरीके पर इनको ट्रेड करना है, ठीक है। क्या कहता है ये देखो, अ ट्रिपल बॉटम इज अ विजुअल पैटर्न दैट शोज द बायर्स यानी बुल्स कंट्रोल ऑफ द प्राइस एक्शन, ठीक है, एंड फ्रॉम द सेलर्स, ठीक है। क्या होता है, मार्केट एक रेंज में जैसे है या फिर आपका इस तरीके से कर रहा होगा, ये आपका तीन बार आ रहा है, जब इसको ट्रिपल टाइम्स इसने कर लिया तो क्या होगा कि बायर्स दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि बायर्स आर इन द पोजिशन टू होल्ड द प्राइस, ठीक है। अ ट्रिपल बॉटम इज जनरली सीन एज अ थ्री रफली इक्वल लोज, ठीक है, जनरली इक्वल लोज होते हैं जनरली, ठीक है। बाउंसिंग ऑफ द सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट लेवल ऑब्वियसली बनी जाएगा, बाउंसिंग फ्रॉम द सपोर्ट लेवल फॉलोड बाय द प्राइस एक्शन ऑफ द ब्रीचिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको, ये आपका बन रहा है मार्केट में कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, हमेशा याद रखना जब भी आपको बॉटम बनता है दैट मींस आपको बाइंग की साइड जाना है, डबल टॉप बनता है तो अपने को सेल की साइड पे जाना है। ये अच्छा कहाँ और बहुत ज्यादा काम आते हैं, आपने कोई बाइंग की पोजीशन अगर कैरी कर रहे हो तो एटलीस्ट कैरी तो नहीं करोगे, ठीक। ये अगर आप देखो प्राइस आपका समवेयर अराउंड इस पॉइंट पर ट्रिपल टॉप बॉटम बनाया, ठीक है, मार्केट ने ऊपर गया, रेजिस्टेंस को आपने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक, आपने ट्रेड कहाँ लिया, इस ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया, डीटेस्ट ये वाला चीज आपने देखा होगा, अगर आपको याद होगा तो मैंने डीटेस्ट वाला पॉइंट पिछले ही सेशन में आपको लेवल्स में बता रखा है, ठीक है, किस तरीके से एंट्री एग्जिट होती है। जैसे हम लोगों ने ट्रिपल टॉप पकड़ा था वैसे ट्रिपल बॉटम देखा था वैसे ही ट्रिपल टॉप होता है, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, ऊपर पे आपको ट्रिपल टॉप बन रहे हैं, सेम चीज ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस एम पैटर्न की तरह आप ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, आराम से मिल जाएगा ट्रेड। देन थर्ड आता है आपका राइजिंग वेज, ठीक, राइजिंग वेज का पहले हम लोग ना थियरी बार में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कहता क्या है। अगर आप देखोगे तो ये जो प्राइस है ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है, ट्रेंड लाइन आपने लेवल्स वगैरह बनाते हो ट्रेंड लाइन बनाते हो तो आपको उसमें आइडिया होगा, ठीक है। ये आपने क्या करा, अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ पहले ना ट्रेंड लाइन वाली एक बार वीडियो जरूर देख लेना, मतलब ये पैटर्न पढ़ने से पहले अगर ट्रेंड लाइन वाली वीडियो पढ़ लोगे दोबारा से देख लो, अगर देख लीजिए दोबारा से देख लो कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत आसानी होगी, ठीक है। ये क्या है, राइजिंग वेज। राइजिंग वेज में क्या होता है, मार्केट आपका ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, इधर से आपका ये जो होता है स्टीप होता है, अपर ट्रेंड लाइन जो अप ट्रेंड की लाइन जा रही है वो स्टीप होती है, प्राइस क्या होता है ऊपर जाता है ऊपर जाता जाते जाते जाते, ठीक है, एंड देन अगर आपका ब्रेकडाउन आता है तो अपन को सेल का मौका मिलता है। अच्छा, इसमें अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे तो क्या नोटिस कर रहे हो, जो ये ऊपर वाली जो चैनल बन रहा है, चैनल की जो अपर लाइन है वो स्टीप नहीं है, मतलब वो थोड़ा सा एंगल वाइज अगर आप देखोगे मैथमेटिकली तो उतना इस तरीके से नहीं है स्टीप, जबकि ये वाली लाइन आपकी थोड़ी सी ज्यादा स्टीप है, अगर आप देखोगे तो ये ऊपर तेजी से जा रही है और ये आपका स्लो वाला है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही आपका ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा, जहां से ये पूरा ये वाला ये एरिया मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका आपका पूरा, लेट से ये प्राइस आपका स्टार्टिंग में यहाँ पे जो पॉइंट था वो 90 रुपये था, ये आपका 100 रुपये था, ठीक है, तो इसका जितना होता है उतना आपका टारगेट होता है, एटलीस्ट यहाँ का ऐसा होगा, इसमें अच्छा टारगेट मिल जाता है, बिकॉज ये प्राइस लेट से आपका 95 रुपीज है, ये प्राइस आपका 100 रुपीज है और ये आपका प्राइस 80 रुपीज है, ठीक है, क्योंकि टारगेट देखो ना एसएल सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना एसएल है और टारगेट आपका अच्छा मिल जाता है। ये अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट करा आपने, ठीक है, क्या करा है, ये अपर चैनल कैसे बनता है, टॉप्स मिलाने होते हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग ट्रेंड लाइन के बनाते हैं ना उस तरीके से, डाउन में और आपका डाउन जो हो रहा है वो एंगल थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू आपका जो अपर वाली लाइन है, ठीक है। क्या हो रहा है, मार्केट ने ऊपर गया, इस तरीके से आपकी ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड आपने करना क्या है, बनाना कैसे, इजीली कैसे बनाना है,
सिंपली ट्रेंड लाइन बनाना है, नॉर्मल ट्रेंड लाइन बनती है, और देखना जब वो ऊपर से आ रहा है तो क्या इस तरीके से आ रहा है, ये वाली इस तरीके चैनल नहीं बनता, ये लाइन आगे जाके मिल जाती है इसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन रहा है, सबसे पहले स्टेप क्या करो, ट्रेंड लाइन बना लो, ठीक है। उसके बाद अपर को, अपर वाले जो पॉइंट्स हैं उसको मिल रहा है कि, अगर मिल रहे हैं दैट मीन्स वो राइजिंग वेज बन रहा है। राइजिंग वेज का जैसे ब्रेक डाउन आया, हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ का आपका SL होगा और ये यहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये कितने पॉइंट्स हैं, ये प्राइस आपका 464 का है, ठीक है। और आपका अपर वाला जो प्राइस आ रहा है वो तकरीबन 480 का आ रहा है, ठीक है, 480, यानी कि आपको 16 पॉइंट्स मिलते हैं, 16 पॉइंट्स आपका टारगेट हुआ इसमें। और आपका SL कितना है, यहाँ पे आपका SL है समवेयर अराउंड 490 रुपीस पे आपने सेल किया, 488 मान लो, चलो 499, 488 पे आपने सेल किया, यहाँ आपका SL है 500 रुपए का, ठीक है। तो 12 रुपए के SL में आपको 16 रुपए मिल गया, मतलब 1:1 से ज्यादा मिल गया, ठीक, इस तरीके से। हालांकि गए नीचे वो बात अलग है, वो कितना वो ट्रेलिंग के साथ आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन इतना तो टारगेट आपको मिल जाता है जो ये पॉइंट्स होते हैं स्टार्टिंग के, ठीक है, जो चैनल का स्टार्ट होता है। थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी क्या कह रही है, द राइजिंग असेंडिंग वेज पैटर्न इज अ बेयरिश चार्ट पैटर्न, ठीक है ना, यानी बेयरिश है, दैट सिग्नल्स इन अ इमीडिएट ब्रेकआउट टू द डाउनसाइड, ब्रेकडाउन होता है बेसिकली, ब्रेकडाउन, ठीक है। इसको हम लोग डाउन साइड में, जो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, जो आपका एक चीज चैनल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जाए तो ब्रेकआउट होता है, नीचे की तरफ आता है तो ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। इट इज द अपोजिट ऑफ द फॉलिंग वेज, मतलब आपका फॉलिंग वेज भी इसी तरीके से बनेगा, अभी हम देखेंगे, ठीक, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, राइजिंग वेज, ठीक। दीज टू कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलर वेज पैटर्न, ठीक है, द इंडिकेट्स बुल्स आर ओवरटेकन बाय द बेयर्स, वो बेसिकली क्या होता है, प्राइस ऊपर लेके जाते हैं बुल्स, लेकिन पैनिक सेलिंग होता है कह सकते हो, एक शार्प सेलिंग आ जाती है फिर उसके बाद, ठीक है। देन फॉलिंग वेज इसका जस्ट अपोजिट होगा, कैसे अपोजिट होगा, ये जो लाइन है आपकी ये स्टीप होगी थोड़ी सी, और ये वाली लाइन थोड़ी सी कम स्टीप होगी, ठीक है। और जैसे इसका आपका ब्रेकआउट आएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइंग की साइड पे जाएंगे, उसमें क्या था, हम लोगों ने राइजिंग वाले में हम लोग सेल की साइड जाते हैं, ठीक। क्या होता है बेसिकली, बेयर्स बड़े तेजी से हावी होते हैं, साइकोलॉजी समझना, उसकी उल्टी है, यहाँ पे बेयर्स हावी हैं लेकिन बुल्स एकदम आते हैं और यहाँ पे आपका ब्रेकआउट देते हैं, तो बुल्स क्योंकि बहुत टाइम से बेयर्स अपने उसमें चल रहे होते हैं, मतलब पकड़ बना के चल रहे होते हैं, एंड देन बुल्स सडनली आते हैं और उसको ब्रेकआउट दे देते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, ये सारे शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं एंड मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। एग्जांपल समझते हैं इसका, आपका देख रहे हो ये वाली लाइन जो है, ये आपकी स्टीप लाइन है, ठीक, स्टीप मतलब ये आपकी थोड़ा शार्प है, ठीक, ये थोड़ी कम शार्प है, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा आपको बाय करना है। SL कितना होगा, ये वाला पॉइंट आप स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट में बाय करना है, याद रखना है, अभी पता नहीं ना, नीचे हो सकता है और नीचे तक चली जाए, उसमें फिर पैटर्न बनता कब है, जब ब्रेकआउट आ जाता है, कंफर्मेशन तब मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे इसको बाय किया, टारगेट कितना होता है, ये इसका जो साइज होता है, अभी हम लोगों ने SBI का एग्जाम्पल देखा था, उसमें यहाँ तक आपका टारगेट होता है, एंड देन आपको छोटा सा SL होता है, छोटे SL में आपको बड़ा टारगेट मिल जाता है। क्विकली हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने पैटर्न कर रहे थे इसके, ठीक है, तीन तरीके के पैटर्न होते हैं, कंटिन्यूशन पैटर्न जो कि आपका बुल ट्रेंड है तो बुल में कंटिन्यू रहता है, रिवर्सल पैटर्न यानी कि ट्रेंड को रिवर्स करता है, ठीक है, एक एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड चल रहा होगा उसका ब्रेकआउट आएगा तो रिवर्सल में आता है, या फिर एक एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड चल रहा होगा उसका ब्रेकडाउन आएगा तो उसको रिवर्सल बोलते हैं, रिवर्स हो जाता है ट्रेंड। बायलेटरल मतलब किधर की भी साइड हो सकता है, हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल पैटर्न देखे हैं, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा डबल टॉप और डबल बॉटम, इसको हम लोगों ने प्राइस एक्शन के साथ मिक्स किया, यानी कि ट्रेंड लाइन के साथ मिक्स किया, नंबर वन, नंबर सेकंड आपका M पैटर्न या W पैटर्न के साथ हमने मिक्स किया इसको, ठीक है। देन राइजिंग वेज आता है, हम लोगों ने वेज देखा था, राइजिंग वेज अगर चल रहा होता है और ये वाली लाइन कम स्टीप होती है, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे आपको जैसे ब्रेकडाउन देता है अपन लोग सेल करते हैं, यहाँ तक का टारगेट रखते हैं और मार्केट में SL इस चीज़ इस जगह का होता है, ठीक है, ये राइजिंग वेज होता है। राइजिंग वेज में क्या होता है, नीचे की साइड ब्रेकडाउन आता है, और आपका फॉलिंग वेज क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, मार्केट में स्टीप डाउन ट्रेंड लाइन चल रही होती है, ठीक है, और ये वाली लाइन आपकी थोड़ी कम वो होती है, जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो अपन ऊपर की साइड बाइंग की साइड जाते हैं, ठीक। ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम देखा हम लोग इसी की तरह से। हेड एंड शोल्डर का मैं आपको थ्योरेटिकली बता देता हूँ, बट प्रैक्टिकली काम नहीं आता हेड एंड शोल्डर, ठीक है, बहुत कम आता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिल जाता है आपको बुल के लिए, और नॉर्मल हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरीके से होता है, मार्केट ये दिख रहा है, ठीक, ये कहलाता है आपका हेड, ये आपके दो शोल्डर होते हैं। हमारा हेड एंड शोल्डर क्या है, हम खड़े हैं ना, शैम्पू मत समझना, ये हमारा हेड है, ठीक, ये हमारे दो शोल्डर्स हैं, तो कुछ इसी तरीके से है ना, ये आपके शोल्डर्स हैं, ठीक, और ये आपका हेड है। हेड एंड शोल्डर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये वाला शोल्डर टूटता है, मतलब लास्ट वाला सेकेंड वाला जो शोल्डर टूटता है, तो अपन लोग सेल करते हैं, ये आपका नॉर्मल हेड एंड शोल्डर होता है, ठीक। उसके बाद अगर इन्वर्टेड की मैं बात करता हूँ तो इन्वर्टेड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इस तरीके से होगा,
ठीक है, हमें बाय कहाँ करना होता है, इस जगह पे अपने को बाय करना होता है। अब ना बिल्कुल स्टैटिक मत लेना इसको कि ये ऐसा ही बने बिल्कुल डिट्टो, बिकॉज ऐसा बनता मिलेगा नहीं, ऐसा भी बन सकता है। अभी आपने निफ्टी का चार्ट खोल के देखना, उसमें आपको दिखेगा इस तरीके से जैसे ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है, ये मार्केट, ये भी आपका हेड एंड शोल्डर बन रहा है, लेकिन ये अप ट्रेंड का हेड एंड शोल्डर है। सिमिलरली आपका डाउन ट्रेंड लाइन चलती है, देन ये इस तरीके से, तो ये आपका डाउन साइड वाला चलता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है, यहां पे शॉर्ट करना होता है। एग्जैक्टली आप सोचोगे कि ऐसा बन के मिलेगा आपको, हॉरिजॉन्टली बन के मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये एक पैटर्न किस तरीके से काम करता है हेड एंड शोल्डर का, नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पे हम लोग शॉर्ट करते हैं इस जगह पे हम लोग शॉर्ट करते हैं, और बाय हम लोग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे इस जगह पे करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने चार्ट पैटर्न्स हम लोगों ने देख लिए रिवर्सल के। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे बुलिश के चार्ट पैटर्न्स कैसे करते हैं, साथ में हम लोग जो हमने देखा तीसरा वाला बायलेटरल वो कैसे काम करता है, और फिर उसको एक बार चार्ट्स पे लगा के प्रैक्टिस करके देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। ये चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में भी, चाहे हो चाहे आपका बिटकॉइन हो, क्रिप्टो हो, या फिर आपका करेंसी हो, या कोई भी चीज़ हो, सब पे काम करते हैं, ठीक है। आप इंट्राडे में कैसे करोगे, 15 मिनट्स का चार्ट लगाना, और अगर आप 1 आवर का लगाओगे तो स्विंग ट्रेडिंग के उस पे जाओगे। आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।